हिलसा थाना में शांति समिति की बैठक में एसडीओ डीएसपी ने कहा होली पर्व व सबे बारात में हुड़दंगियों पर प्रशासन की रहेगी नजर। दरअसल बता दें कि आपसी सहोदर के माहौल में होली मनाने एवं सब्य बारात को लेकर हिलसा थाना के प्रांगण में गुरुवार की संध्या में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता हिलसा के एसडीओ सुधीर कुमार ने किया। आयोजित शांति समिति के बैठक के दौरान डीएसपी कृष्ण प्रसाद ने कहा कि होली एक ऐसा पर्व है या सब्य बारात एक ऐसा पर्व जिसे भाईचारे के साथ सहोदर पूर्वक मनाने की लोगों से अपील किया। अगर कोई भी हुड़दंगियों के द्वारा होली व सब्य बारात में त्योहारों के दिन खलल करने का प्रयास करेगी वैसे में प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद होगी। लोगों से अपील किया कि आपसी भाईचारे के साथ यह दोनों पर्व मनाएं। हिलसा के एसडीओ सुधीर कुमार ने बैठक के दौरान संबोधित करते हुए कहा कि शहर के चौक चौराहे पर होलिका दहन होना है, जिसको लेकर देखना होगा कि होलिका दहन के ऊपर से कहीं बिजली के तार तो नहीं जा रहा। विद्युत प्रवाह बिजली के तार जाने से कोई अनहोनी हो सकता है, वैसे में इस पर नजर रखना होगा। साथ में कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, वैसे में होली पर्व को लेकर कहीं शराब की तस्करी तो नहीं किया जा रहा या कोई धंधेबाज शराब का निर्माण तो नहीं कर रहे हैं। वैसे पर पुलिस को पैनी नजर होगा, खासकर शहर में ट्रिपल लोड सवार बाइक चालकों पर पुलिस की नजर होगा। इस के अलावा बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा किया गया। इस दौरान हिलसा के प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रिया कुमारी, अंचल पदाधिकारी सोनू कुमार, सहायक विद्युत अभियंता आकाश कुमार, पूर्व जिला परिषद सदस्य विनोद कुमार, जदयू नेता मुन्ना फर्नांडिस, कांग्रेस नेता ओम प्रकाश राही, भाजपा नेता अर्जुन प्रसाद विश्वकर्मा, राजद नगर अध्यक्ष मोहम्मद परवेज आलम, मुखिया प्रतिनिधि मनोज कुमार, मुखिया प्रतिनिधि संजय कुमार, वार्ड पार्षद राकेश कुमार शर्मा, विजय कुमार विजेता, संतोष कुमार गुप्ता, सुनीता देवी, जावेद अख्तर, बालेश्वर पासवान, धनंजय कुमार समेत कई लोग शामिल थे।